Hello kids, welcome back to our channel Kids Bible Stories। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने हमारे चैनल की पिछली कहानियों को सुना होगा, देखा होगा और उनके वसीला से आपको बहुत बरकत मिली होगी। उन कहानियों के वसीला से हमारी नौजवान नस्ल को, जो बाकी एक्टिविटीज में तो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन जिंदगी के मामूलात में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमारे पास अपने लिए और अपनी रूहानी जिंदगी के लिए टाइम ही नहीं बचता। हमारी आज की कहानी एक बहुत मजबूत इंसान के बारे में है, एक ईमानदार के बारे में है, एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसके बारे में शैतान जो है वो हमेशा यही कहता है, अभी खुदा का इनकार करेगा, ये इंसान अभी खुदा का इनकार करेगा। इंसान को खुदावंद के सामने जाकर कहता है कि ये शख्स जो है ये इसलिए तेरा नाम लेता है क्योंकि तूने इसे बहुत कुछ अता किया है, मगर शैतान फिर ये कहता है कि इससे सब चीजें वापस ले ले, और चीजें वापस लेने के बावजूद भी वो इंसान खुदावंद में मजबूत रहता। आज जिस इंसान के, जिस मजबूत शख्सियत के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उस शख्सियत का नाम अय्यूब। अय्यूब के मायने है दुखों में पुकारने वाला शख्स। हमारी ये वाली कहानी अय्यूब की किताब में से ली गई है और इस किताब को मूसा नबी ने लिखा है। अय्यूब की किताब एक नेक आदमी की कहानी है जिसे सख्त मुसीबत और बलाए नागहानी बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसके सारे बच्चे मर जाते हैं, सारी अमलाक तबाह हो गए और वो खुद एक नागवार बीमारी में मुब्तला हो गया, मगर खुदावंद खुदा से बहुत मुखलिस रहा, खुदावंद के हुक्मों पर चलता, खुदावंद के साथ वैसे ही मजबूत रहा जैसे कि वो अच्छे हालात में था। ऊस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और आसपास था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियाँ पैदा हुईं और उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 5,000 जोड़ी बैल और 500 गधियाँ और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। जब उनके ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक कर सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ही ऐसा करता था और एक दिन खुदा के बेटे आए और खुदावंद के हजूर हाजिर हों और उनके दरमियान शैतान भी आया। खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है। शैतान ने खुदावंद खुदा को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उस पर सैर करता हुआ आ रहा हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है, क्या तूने उसके और उसके घर के गिरदा गिर्द जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ भाट नहीं बनाई, तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी और उसके गल्ला मुल्क में भर गए, पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदा के सामने से चला गया। एक दिन उसके बड़े भाई के घर खाना खा रहे थे तो एक कसाब ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जोते थे और गधे उसके पास चर रहे थे कि सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को भी मार दिया, फक्त मैं ही अकेला बच निकला हूँ कि तुझे खबर दूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और आदमी भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, फक्त मैं ही अकेला बचा हूँ ताकि तुझे खबर दे सकूँ। वो दूसरा शख्स भी ये कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा कि कस्ती 3 वॉल होकर ऊंटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को भी फना कर दिया,
वक्त मैं ही अकेला बचाऊं ताकि तुझे खबर दूं। तीसरा शख्स भी अय्यूब को सारा हाल सुना रहा था कि चौथा शख्स भी आ गया और कहने लगा कि ऐ मेरे मालिक, तेरे बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और देख बियाबान में एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो घर उन जवानों पर घिर पड़ा और वो मर गए और फक्त मैं ही अकेला बचा ताकि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैराहन चाक किया और सर मुंडवाया और जमीन पर घिरकर सिजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना ही खुदावन से गिला किया। फिर एक दिन शैतान फिर खुदावन के हजूर गया। खुदावन ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, मैं जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसकी सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर कुछ गौर किया, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं है। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल, बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डालेगा। अब वक्त अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू दे तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। और अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया और वह अपने सर को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा, खुदा की तकफीर कर और मर जा। मगर अय्यूब ने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। इन सब अहवाल को सुनकर अय्यूब के दोस्त उससे मिलने आते हैं और जब उन्होंने दूर से निगाह की तो अय्यूब को ना पहचाना तो वो चला चला कर रोने लगा। इसी तरह उस शैतान ने अय्यूब को भी नुकसान पहुंचाया। अय्यूब के तमाम बच्चे मर गए, अय्यूब को एक मोहलिक बीमारी हो गई और उसके बदन पर फोड़े बन गए और वो इतनी तकलीफ में था कि उसकी बीवी भी हमेशा उसे यही कहती कि अपने खुदा का इनकार कर, अपने खुदा को क्या वो तीर ठीक करें, यही है। लेकिन अय्यूब बहुत खुदावंद, अपने खुदा से मुखलिस था। वो जानता था कि जिसने बीमारी दी है वो शिफा भी देता है। वो जानता था कि वो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। इसी तरह अय्यूब के तीन दोस्त भी उसके पास आते हैं ताकि उसके दुखों में शरीक हो सकें। वो भी उसे तरह तरह की बातें करते हैं और इन अय्यूब और उनके दोस्तों के दरमियान तीन मुकालमात होते हैं। हम देखते हैं कि अय्यूब जो है वो हमेशा खुदावंद के साथ मजबूत रहता है, वो खुदावंद की हमेशा पैरवी करता है, वो इनकार नहीं करता, वो हमेशा ये कहता है कि मेरा खुदा मुझे ठीक करेगा। तब अय्यूब ने खुदावन को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है, लेकिन मैंने जो ना समझा वो ही कहा। यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं नहीं जानता था। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे सवाल करूँगा, खुदावन तू मुझे जवाब दे, पर अब मेरी आँख देखती है इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। मैं हाक में और राख में तोबा करता हूँ, ऐ खुदावन मेरी दुआ का जवाब दे। और ऐसा हुआ कि जब खुदावन ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने उसके दोस्त से कहा कि मेरा गज़ब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जिसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। सो वो तीनों दोस्तों दिया और खुदावन ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका दो चंद दिया।
तब उसके सब भाई और बहनें, उसके सब अगले जान पहचान के लोग उसके पास आए और उसके घर में उसके साथ खाना खाया और उस पर नोहा किया, और उन सब बुलाओं के बारे में जो खुदावन ने उस पर नाजिल की थी उसे तसल्ली दी। हर शख्स ने उसे एक सिक्का भी दिया और हर एक ने सोने की एक पाली भी। यूं खुदावन ने अय्यूब के आखिरी अय्याम में इब्तिदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और गधियां हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुईं और उस सारी सरजमीन पर ऐसी औरतें कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों की तरह खूबसूरत हों। और उनके बाप ने उनको और उनके भाइयों के दरमियान मिरास दी। और इसके बाद अय्यूब 140 बरस जीता रहा और अपने बेटे और पोते चौथे पुश्त तक देखे। अय्यूब ने बुढ़ा और उम्र रसीदा होकर वफात पाई। हमने आज की कहानी में देखा कि खुदावंद खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। खुदावंद खुदा हमें आजमाता भी है। हमें जब मुश्किलात हम पर आ जाती हैं तो वो खुदावंद की आजमाइश होती है। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये बीमारी ये परेशानी हमारे पर क्यों आई है, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि वो खुदावंद खुदा हमें आजमाता है। खुदावंद खुदा हम पर और शैतान भी हमें देखता है। दरअसल जब हमारे पर आजमाइश आती है, जब हमारे पे कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोगों पे कोई बीमारी आती है, तो वो खुदावंद और शैतान के दरमियान एक गुफ्तगू भी होती है। उस टाइम पे शैतान ये कहता है कि अब इस मुश्किल में ये तेरा नाम डालेगा, ये तेरा इनकार करेगा, ये तुझे बुरा भला कहेगा, और खुदावंद खुदा ये कहता है नहीं, ये मेरे बंदे हैं, ये मेरे से दुआ करेंगे। हमें हमेशा अपने दुखों में, अपनी बीमारी में, मुश्किल वक्त में, हर तंगी में, हर एक मुश्किल वक्त में हमें खुदावंद के साथ पुख्ता रहना है, हमें उससे दुआ करते रहना है, हमें ये यकीन रखना है कि खुदावंद हमारा खुदा रबुल अफाज खुदावंद है, वो हयुल कयूम खुदा है, वो बीमारियों में हमें शिफा देता है, मुश्किल वक्त में वो अपना हाथ हम पर रखता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।